नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, ये रहा जोश। मैं मनीष उरांव, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आप लोग, मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। आप लोग जोरदार करें। चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे वॉरियर्स का मेंटर साइंट मैगियर। वो लोग नहीं होते तो साइंट आज हम लोग नहीं होते। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर भूषण पटियाल सर, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रोहित पटियाल सर, और धन्यवाद मैं करना चाहता हूं आजाद पटियाल सर, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरवान पटियाल सर, इन हमारे तमाम मेंटरों के लिए, हमारे गुरु के लिए। मैं एक बार दिल से एक बार जोरदार करना। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर झारखंड के बब्बर से साइंस। वो गुरु नहीं होता तो मैं आज हम यहां नहीं होते। उसी ने हमको तराशा और इस काबिल बनाया। तो हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे मेंटर झारखंड के बब्बर से मिस्टर संजय राव लेकर जोरदार करें। थैंक यू दोस्तों। अब ताली बजाना है तो होश और हवास के साथ बजाना है। मैं भी जोश के साथ ताली बजाना है, क्योंकि मनीष उरांव ऐसे ही ताली बजा बजा के आप रोड से करोड़ में पहुंचा। मैं भी अगर रोड से करोड़ में आप लोग भी जाना चाहते हैं तो दिल के साथ ताली बजाना पड़ेगा। मैं भी क्या बजाने के लिए तैयार है? और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मेंटर, वो भी हमारे गुरु, हमको हमारे घर में रह रह के दोस्तों हमको तरासा, हमको सिखाया। मनीष उरांव तू जिंदगी बदल सकता है। मनीष उरांव तुम गरीबी का जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुम रही से जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। तो हमारे गुरु मिस्टर माइनस सर्कल पर जोरदार करें। थैंक यू दोस्तों। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और भी हमारे एक से एक दिग्गज हमारे लीडर लोग हैं, हमारे भगवान लोग हैं, हमारे अपलाइन लोग हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शशि सर का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सतीश ठाकुर सर का, और हमारे बहुत सारे हमारे डायमंड से हमारे नीचे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजेश उरांव सर का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दशरथ उरांव, धन्यवाद करना चाहता हूँ सुनील उरांव सर का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रवि सर का। ऐसे नाम लेंगे तो काफी वक्त लगेगा मैं डियर। तो हमारे डायमंड के लिए दिल से एक बार जोरदार कर लेंगे। मैं तुरंत बोला था कि ताली बजा बजा के हमारा जिंदगी बदली। मैडियर हम ऊपर से हम देख रहे हैं, पीछे से ताली नहीं बज रही, ताली नहीं बज रही। जिंदगी बदलना चाहते हैं कि नर्क वाले जिंदगी जीना चाहते हैं? जिंदगी बदलना चाहते हैं ना। दस लिखा हुआ है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिंदगी बदलने का रहस्य सीखने के लाए पक्का। सारे लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं? थैंक यू दोस्तों। अगर जिंदगी को बदलना चाहते हैं, दिल के साथ सुनना है, तन मन के साथ सुनना है, अपने शांति पूर्वक से बनाए रखे सुनना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है मैडियर। क्योंकि जिंदगी में सबसे पहले जिंदगी को बदलने के लिए डिसिप्लिन मांगता है। मांगता कि नहीं मांगता है? डिसिप्लिन। अभी इस कार्निवल का बगल में डीपीएस हर किसी को पता जितने सारे लोग आए हैं, और यहाँ कोई नया नहीं है, यहाँ हर एक हमारा एसोसिएट है जो हमारा बिजनेस में कदम रख चुके हैं। रखे कि नहीं रखे? और सारे लोग सीखने के लिए आए कि नहीं आए हैं? आए हैं। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले क्या मांगते हैं? डिसिप्लिन। उस स्कूल में उस बच्चा को एडमिशन करने के बाद सबसे पहले उस बच्चा को लोग वहां का टीचर से लोग डिसिप्लिन मिलाते हैं। लाते कि नहीं लाते? ड्रेसअप पहनने का डिसिप्लिन, चप्पल पहनने का डिसिप्लिन, एक जूता लगाने का डिसिप्लिन होता कि नहीं होता? होता है। तो हमारा सेक्टर इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं, हमारा सेक्टर बिजनेस में कैसे लोग ट्रेनिंग करता है? टेम्पो ड्राइवर हमारे जैसा
Am I right? Yes, sir. तो ये गधों की तरह दिहाड़ी काम करने वाले लोग होते कि नहीं होते? ऐसे लोगों को हमारा बिजनेस में ला के, इस बिजनेस में लाने के बाद यहाँ डायमंड बनने का भट्टी में डाल के यहाँ हर किसी को तराशा जाता है, और हमारा सेक्टर इंडस्ट्री में आने के बाद एक अनपढ़ भी डायमंड बनता है, एक टिम्पू ड्राइवर भी डायमंड बनता है, एक दिहाड़ी काम करने वाला भी डायमंड बनता है। कहने की मतलब हर की डिग्री के लोगों को हमारा सेफ्टी प्रोवाइड करती है और हर किसी को बोलती है अगर जिंदगी में अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो हर एक एसोसिएशन को हमारा सेफ्टी इंडस्ट्री वेलकम करते हैं। थैंक यू दोस्तों। हम बताना चाहते हैं हमारे बारे में। हमारा नाम है मनीष शुगम, बेसिकली लोहर तक का डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, छोटी से गांव बटनपुर से बिलोंग करते मैं भी। हर किसी को पता होगा इस बिजनेस को करने से पहले हम लोग सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं मैं। हम इस बिजनेस को करने से पहले यही रांची शहर में टिम्पू चलाया करते थे। क्या करते थे? टिम्पू चलाया करते थे। इस पेट को पालने के लिए, इस जिंदगी को काटने के लिए 10-10 रुपया एक पैसा को दिन भर में इकट्ठा करके दिन भर चलाने के बाद, कड़ी संघर्ष करने के बाद मनीष शुगम 600-700 पैसा कमाता था। कितना पैसा कमाता था? 600-700 पैसा कमाता था। माई डियर, पैसा कमाने का बहुत चाहत था, बहुत एक लगन था, एक सोच था, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। माई डियर, हमारा गाँव में एक गांव से भले देहात से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारा गांव में बहुत ज्यादा लोग नौकरी करता है। कोई पुलिस में, कोई फौज में, कोई टीचर में, जैसा माहौल में लोग रहता है मेरा बच्चा वैसे ही बनना चाहता है। चाहता कि नहीं चाहता? लोग वैसे ही बनना चाहता है। तो हमारा भी सोच था पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो पाता था, इतना गरीब घर से बिलोंग करते थे। अभी हम लोग सारे लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, करते हैं मैडियर। अभी धान पैदा हो रहा है, अभी धान पक रहा है, आने वाला 3-4 महीने के बाद इस मनीष शुगम का घर में धान खत्म हो जाएगा। इस कंडीशन में हम जिंदगी जी रहे हैं। किसी तरह पढ़ाई किया 12वीं 12 क्लास, उसके बाद हमारा भी सोच था, हमारे गांव में लोग बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं तो हमारा भी सोच था वैसे हमको भी नौकरी करना है। लोग सोचते कि नहीं सोचते? पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर एक बच्चा का मकसद होता है नौकरी पाना, होता है कि नहीं होता है? होता है मैडियर। तो हमारा भी सोच था जिंदगी में कुछ करना, नौकरी करना, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जितना लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं क्या हर किसी का नौकरी हो जाता है? नहीं। तो मैं ये उसी नौकरी को पाने के लिए कभी मनीष शुगम कभी दफ्तर भटका, कभी रात में आने के बाद फौज में बाहर होने के लिए आता था। यहाँ क्या चीज बोलते स्टेडियम स्टेडियम ना सारे लोग, उसके पास एक डोरंडा स्टेडियम, उसके पास एक जो गोल चक्कर है आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग उस गोल चक्कर को घूमते हुए आए होंगे। राइट, वही गोल चक्कर में मनीष शुगम कभी रात काटा है, उसमें सो के काटा है, क्योंकि उसको नौकरी करने का चाह था, एक पैसा कमाने का सोच था, मगर वहां पर हम आके सो रहा। लेकिन नौकरी नहीं हुआ संघर्ष करने के बावजूद, और नौकरी करने की उम्र भी था। बिजनेस मिला मैडियर 2013 में। कब मिला बिजनेस? मिला 2013 में। हमारा सर, हमारे भगवान, हमारे माइनर सर के माध्यम से सुनने जानने के लिए बिजनेस मिला। पैसा हमारे पास भी नहीं था। आज बहुत सारे लोग यहाँ हम लोग जाते हैं बहाना बनाते हैं पैसा नहीं, बोलते कि नहीं बोलते? मैडियर हमारे पास भी पैसा नहीं था। किसी के पास होता है? नहीं। हमारे पास भी पैसा नहीं था। मैं इस कंडीशन में बिजनेस को कदम रखा मैडियर। देहात में हम लोग जब हल जो चलाते हैं हर किसी को पता होगा क्या चीज से हल चलाते हैं? बैल और जोर से बोलो, बैल और काड़ा से। तो मैं यार वही काड़ा बेच के मनीष शुगम इसी सेफ ऑफ इंडस्ट्री में कदम रखा था, और 4 दिन में सुना, और 3 ID से बड़ा मुश्किल से पैसा इकट्ठा करने के बाद कि गरीब घर का पैसा को 24-25 हजार दे दिया जाए, घर में नींद आएगा? ये कंडीशन है। मैं पैसा दिया था हमारा माइनर सर को। हर किसी को पता होगा हमारा लोहर दगा क्षेत्र नक्सल क्षेत्र, और नक्सल में हर किसी को पता होगा उसको नक्सल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लोहर दगा क्षेत्र। Am I right? वही माइनर सर को पैसा दिया था, अपने आप लगने लगा था इसको मार देती क्या किया जाए। 24 हजार पैसा
एक हमारा डाउनलाइन है मिस्टर दशरथ राव, उसी ने समझाया मारने से पैसा नहीं मिलेगा सर। बड़े खड़ूस आदमी था बिजनेस करने से पहले, जो बोलता था वही करता था। तू समझाया मारने से पैसा नहीं मिलेगा माय डियर। फिर हमारा गुरु ने आया हमसे उड़ाव से बातें करना चालू किया। 5 दिन के बाद हमारा घर में पहुंचा था, हमारा सिर दर्द होना चालू हो गया क्योंकि ये गरीब का पैसा नहीं आया। नींद आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं 5 दिन के घर, 5 दिन के बाद घर पहुंचा। उसको मैं पूछा सर बताइए मैं लिखना चालू किया, आज भी घर में डायरी में लिखा होगा कैसे प्लान देती है, प्लान देना चालू किया, लोग हंसना चालू किए। आज हम लोग फील्ड में जाते हैं लोग मजाक उड़ाते कि नहीं उड़ाते? पहले तो ही कमाए नहीं बोलता है, बोलता है किसको किसको बोला है कि पहले तो ही कमाए? अरे किसी को एक बार जोरदार के लिए मैडम तो लोग वैसे ही बोला करते थे माय डियर। हमको भी लोग बोलते थे शरीर ऐसा था नहीं, आज जैसा दिखता है लंबा चौड़ा। गरीब लोग कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं माय डियर? वैसे हम भी दिखते थे जब लोग फील्ड में जाते थे, हमारा प्लान को बताने के लिए जाते थे, लोगों को समझाने के लिए जाते थे। एक दिन का एक छुआ पर हुआ है बोलता क्यों बोलता है? अगर सही था रईस खानदान का होते तो बोलता लोग नहीं, ये रईस घर का बच्चा है, ये टैलेंट लड़का है, ये जानता होगा, इसका बात को सुनना चाहिए। लोग बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन ऐसा कभी घर से थे सच्चाई बताने के बावजूद लोगों को बिलीव नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। पहले तो एक कमाई यही लोग बोलते, एक साल कड़ी संघर्ष करने के बाद, एक साल मेहनत करने के बाद मनीष ने 9,000 पैसा कमाए थे। कितना? 9,000। बहुत सारे लोग अपने आप को पैसे से नहीं रख पाते हैं और जिंदगी को खो बैठते हैं माय डियर, जिंदगी को नर्क में लेके जाते हैं। मनीष ने 1 साल पैसे से रखा, लोगों को बताना चालू किया, लोगों को समझाना चालू किया। इधर से हमारे सर लोग बोलते थे मनीष यहीं से जिंदगी बदलेगा, टिंपू से जिंदगी बदलेगा, लोगों को बताना चालू किया। तब 1 साल के बाद जिंदगी बदलना स्टार्ट हुआ। हर किसी को पता होगा माय डियर परिश्रम का फल मीठा होता है कि नहीं होता? संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है माय डियर। 1 साल के बाद जो जिंदगी बदलना स्टार्ट हुआ वही 15-20 का डील 100 में कन्वर्ट हुआ। कितना में? 100 में कन्वर्ट हुआ। फिर वही टीम 1,000 में कन्वर्ट हुआ, वही टीम 10,000 में कन्वर्ट हुआ। आज यही 9 साल का सफर में मनीष राव को मुझे 70,000 मकान थैंक यू 70,000 लोग। ये मनीष राव भी पहले इस बिजनेस को करने से पहले आप ही लोगों की तरह गरीब था, आप ही लोगों की तरह बिजनेस में जब प्लान बताने के लिए जाता इसका बातों को कोई नहीं सुनता था माय डियर। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने आप को तराशा। अभी गुरु जी बोल रहे थे यहाँ आने के बाद सिस्टम को फॉलो किया। मैं जब फॉलो नहीं करते तो सीधा हमारा जिंदगी नहीं बदलता। ट्रेन कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? उसका सिस्टम है कि नहीं? विदाउट सिस्टम रोड में चलाएंगे क्या होगा? चलेगा नहीं। वैसे ही आने के बाद सिस्टम में बैठा रहा, अपने आप को तरह से संघर्ष करना मेहनत किया। मैं डियर आज अकेले स्टार्ट किया था यही 900 सफर में। कितना टीम बना? 70,000। आज खुद अकेले डायमंड बनने से खुश नहीं है तो मनीष राव के नीचे आज मुझे डायमंड की लाइन लगी हुई है। थैंक यू। क्या आप लोग भी जिंदगी बदलना चाहते हैं? पक्का? तो लेकिन जिंदगी को बदलने के लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा, डायमंड बनने के लिए उस डायमंड की कीमत को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा माय डियर। तभी तक जिंदगी में बदलाव होगा। मेहनत को चाहे यहाँ भी करना पड़ेगा, चाहे बाहर का दुनिया में भी करना पड़ेगा, मगर काफी पेट को पालने के लिए करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 200-300 पैसा कमाने के लिए बाहर का दुनिया में कठोर तरह मेहनत करते हैं और कठोर तरह पसीने बहाने के बाद उस पसीने का कीमत कितना लगता है? कितना? 200-300। हम थोड़ा बहरे हैं, बार बार बोलते हैं कि जोर से बात करना, ठीक है? 300। आप अभी लोगों से जानना चाहेंगे मैं यार 200-300 पैसा कमा के क्या जिंदगी में बदलाव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। मैं
नहीं किया जा सकता है। पसीना तो हमारा सेल्फ तो बिजनेस में बहाना पड़ेगा, लेकिन हमारा सेल्फ तो बिजनेस में शुरुआत में कड़ी संघर्ष करना पड़ता है मैं डियर, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत इतना किया मनीष राव कि कभी कभी रांची में घर नहीं था। उनके में लोग रांची में घर करते नहीं। पहले शुरुआत में मनीष राव गरीब था, रांची में रहने के लायक उसके पास पैसा नहीं था। मैं डियर मेहनत करते करते कभी रात हो जाता था तो वही चुनिया स्टेशन का बगल में गाड़ी को खड़ा करके वहीं भर रात सोता था। ये भी जिंदगी में ये भी संघर्ष करना पड़ता है। कभी गर्मी का दिन हुआ करता था, पंखा चला के चाबी ओढ़ करके गाड़ी भूल जाते थे, कभी सो जाते थे, सुबह होते होते बैटरी डाउन। कौन ठेके लेगा सहारा नहीं, कोई ढक लेगा नहीं। कभी न कभी वही टिम्पा वाला को पढ़ाई करते थे और पोछा करके तार जोड़ के, हाँ कभी गाड़ी की स्टार्ट करके फिर फिल्म में निकलता था मैं। ये संघर्ष करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। अब यही 900 का सफर में मैं डियर अभी बहुत जल्दी हम ट्रिपल डायमंड बनने वाले हैं। थैंक यू। तो क्या आप लोग भी जिंदगी बदलना चाहते हैं? पक्का आवाज नहीं यार पीछे से बदलना चाहते हैं? पक्का पीछे से कितने लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं? ऊपर से देख रहा है कि आशीर्वाद मिलता था खास स्कूल, तो एक बार अपने आप में जोड़ा कर लिया। थैंक यू दोस्तों। दुनिया में हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता? अब दो ही रास्ता चुनता है, एक तो बिजनेस या तो नौकरी, होता है कि नहीं होता है? दुनिया में हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है और उसी पैसा कमाने के लिए लोगों के पास दो ही रास्ता है, नौकरी आओ और नौकरी को पाने के लिए, अच्छा नौकरी पाने के लिए मैंने क्या मांगती हो? डिग्री एक बार चौदह का एक डिग्री। थैंक यू दोस्तों। नौकरी पाने के लिए, एक आईएएस पाने के लिए डिग्री मांगती है, मांगती कि नहीं मांगती है? ज्ञान मांगती है, मांगती कि नहीं मांगती है? क्या हर किसी के पास होता है डिग्री? क्यों? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? पैसा का अभाव से हम लोग डिग्री नहीं ले पाते हैं और वही गर्व वाला जिंदगी जीते। जीते कि नहीं जीते? जीते कि नहीं जीते? जीते हैं माय डियर। अब जिसके जिसके पास नौकरी होता है, जिसके जिसके पास जो डिग्री होता है, जो डिग्री, जो जिसके पास पैसा होता है, डिग्री पा लेता है, उसका संघर्ष करने के बाद बड़ा मुश्किल से लोगों को भी नौकरी मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? नौकरी मिलता है नहीं। डिग्री पाने के लिए, अच्छा नौकरी पाने के लिए माय डियर, बाहर को दुनिया में लोग 18-18 घंटा पढ़ाई करता होगा, करता है कि नहीं करता? नींद आता होगा, चेहरा में पानी मार मार के लोग पढ़ाई करता होगा, करता होगा कि नहीं करता होगा? आज कंपटीशन का दौर है कि नहीं? आज कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का जमाना है दोस्तों। कंपटीशन पास करने के बावजूद क्या मांगता है नीचे से? कितना? 5 लाख। हर एक आदमी अगर देने के लिए सक्षम है 5 लाख? 5 लाख देने के सक्षम है? नहीं है नहीं है। लेकिन हमारा सेल्फ शो बिजनेस आज तक हिंदुस्तान के नंबर वन कंपनी, हिंदुस्तान के नंबर वन सिस्टम, आज मनीष राव नाम सब रखने लगाया, इससे से डिग्री नहीं मांगा? मांगा? बाहर का दुनिया में डॉक्टर कौन बनता है? डिग्री वाला। इंजीनियर कौन बनता है? डिग्री वाला। अच्छा अच्छा नौकरी कौन करता है? डिग्री वाला। माय डियर वहां कुछ नहीं हो पाया। अगर जिंदगी में डिग्री वालों की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, राइस बनना चाहते हैं, जिंदगी को रोड से करोड़ में ले जाना चाहते हैं, तो हमारा बिजनेस बोलते बेटा आ जाओ, 4 साल मेहनत करो, 5 साल संघर्ष करो, आने 5 साल संघर्ष करने के बाद आप बन सकते हैं करोड़पति, आप बन सकते हैं करोड़पति। बनना चाहते हैं?